वन टाइमर चालू हो जाएगा, टू कितने मिनट में लगेंगे। थ्री स्टार्ट। खाओ खाओ फटाफट, देखते हैं कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कला कैसे हो, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती करूंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह के 6:30 बजे से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, और इतनी अच्छी हवा चल रही है और धूप भी आ चुकी है। पिछले एक दो दिनों से ना धूप ही आ रही है, बारिश नहीं आ रही है, तो लेकिन गर्मी भी नहीं हो रही उतनी, गर्मी का एहसास कम हो रहा है। धीरे धीरे अब ठंडा ही होगा, हल्की फुल्की धूप है लेकिन ठंडी हवा चल रही है ना, तो इसलिए गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमारा जो पत्थर था वो भी कट चुका है, तो वो सीढ़ी के लिए पत्थर कट गया है तो अब लगाएंगे। अभी पूरा नहीं कटा, मतलब अभी इतना बचा है, और बिट्टू उठ के सीधे यहाँ आ चुका है सौड़ बनाने के लिए। तो आज छुट्टी है तो बच्चों के मजे हैं आज, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे भोले बाबा जी आए हैं हमारे घर में आशीर्वाद देने के लिए। छोटे भोले बाबा जी है जो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये झुकी नहीं रहे देखो ये तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:10 बज चुके हैं, और भावेश गया हुआ है ट्यूशन, और नवनीत और नवनीत के पापा गए हैं उनके दोस्त के घर पे। तो मैं यहाँ पे किचन में खाना बना रही हूँ, दाल भात। आज सुबह नाश्ता नहीं बनाया, मैंने सोचा सीधे दाल भात ही बना देती हूँ। तो बच्चों को तो मैं कल रात की सब्जी थी और आटा बचा था तो नाश्ता करा दिया था, तो अब सीधे खाना ही बना लेती हूँ। और इसमें मैंने डायरेक्ट चढ़ा दिया है दाल, चावल अभी नहीं चढ़ाऊंगी, चावल जब आएंगे वो उसके बाद ही चढ़ाऊंगी क्या हुआ, थक गया, थकान हो गई रे इसको तो बहुत ज्यादा। तो फाइनली ये लोग आ चुके हैं, अब खाना खाएंगे। खाना कब का बन के तैयार हो गया, लेकिन खाने वाले ही गए घर से। तो दोस्तों 12:30 हो चुका है और खाना पीना भी खा लिया है, और बाहर इतनी तेज धूप लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन हवा भी चल रही है तो सही लग रहा है। और आज हमारे जो टाइल लगाने वाले हैं ना, वो भैया आए हुए हैं जो उस दिन गिर गए थे ऊपर से नीचे और दोनों पैरों में चोट आ गई थी उनकी, तो प्लास्टर लगा हुआ है। तो अभी आए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे कुर्सी में आराम से। और सबके सब बच्चे बड़े सब हालचाल पूछने के लिए आ गए हैं बाहर पे। तो यहाँ पे बिट्टू जो है सबके लिए मैगी बना रहा है, स्पाइसी स्पाइसी मैगी बना रहा है। यहाँ पे है मैगी के दो बड़े बड़े पैकेट, और प्रेशर कुकर में बनेगा, और यहाँ पे सब्जी भी है, शिमला मिर्च, और मिर्च देखो इतनी तेज तीखी मिर्च है, और दो टमाटर भी हैं। तो देखते हैं कितना स्वाद। तगड़ी खिलाऊंगा ना आंटी आपको, कितना मैगी है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा तो कह रहा तगड़ी वाली स्पाइसी बिल्कुल चटक वाली मैगी खिलाऊंगा। हाँ तो कह रहा है मुझे बहुत अच्छी मैगी बनानी आती है। मैंने कहा चलो फिर बना के दिखाओ, आज टेस्ट करके बता ही देंगे कैसा है करके। तो यहाँ पे बिट्टू ने बिल्कुल प्याज और शिमला मिर्च बारीक बारीक काट दिया है, और टमाटर भी काट दिया है, और प्रेशर कुकर में मैंने तेल भी डाल दिया है। तो अब बनाते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं स्पाइसी बिल्कुल मसालेदार वाली मैगी, सिंपल उबली हुई मैगी नहीं बना रहे हैं आज। तो भावेश को तो सिंपल उबली हुई ज्यादा पसंद आती है, ना मिर्च ना कुछ, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, तो देखते हैं बच्चों को कितना पसंद आता है। मसाले डाल रहा है उसमें, और बच्चा कुछ आइए नौनी खा जा रहा है गजब बेइज्जती है। दोनों पैकेट डाल दी, अच्छा ये फिट आता नहीं आता है बर्तन छोटा हो गया दोस्तों हमारा, मैगी ज्यादा हो गई। चलो कोई नहीं, अभी हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे चले जाएगा, थोड़ा पानी की जरूरत है क्या। बड़े बड़े दो पैकेट थे तो इस वजह से छोटा पड़ गया, छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे इसके। ये क्या बन गया है पारस, पारस का एक रोल होने वाला है इसमें।
तो दोस्तों हम सभी ने मैगी खा ली है और मैगी बहुत मस्त बनी थी, बहुत स्पाइसी थी, बहुत अच्छी थी। तो बिट्टू को 10 out of 10 बहुत अच्छी बनी थी। तो अभी बिट्टू और भावेश जो है मैगी चैलेंज कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, दोनों में कौन ज्यादा खा पाता है। तो देखते हैं, मजा आने वाला है चैलेंज में। तो देखते हैं दोनों में आज होने वाली है बड़ी टक्कर। चलो, तो एक्साइटेड बच्चों चैलेंज के लिए? अच्छा yes. तो देखते हैं कौन दगदग हो रही है। तो स्टार्ट करें फिर भावेश। भावेश स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। खाओ खाओ फटाफट, देखते हैं कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है। भाई बिट्टू तो दो दो हाथ से खा रहा है, एक हाथ से एक चम्मच से खा रहा है, तो भावेश भी। तो देखते हैं आखिर कौन जीतने वाला है। तो यहाँ पे टाइमर भी लग चुका है, तो देखते हैं कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। भावेश जल्दी कर, बिट्टू ने खा लिया, जल्दी, बिट्टू जीतने वाला है। अरे बिट्टू ने तो सब खत्म कर दिया है, देखो बिट्टू जीत गया। भावेश बिट्टू जीत गया है, पानी की घूड़ी मारो। बिट्टू जीत गया, अरे जीत गया, जीत गया, जीत गया। थोड़ा सा बच गया है, एक मिनट। बिट्टू बिट्टू बनने वाला है विनर। बिट्टू मुंह में भी है, मुंह पेट में डाल मुंह वाला। अरे साफ कर दिया इसने तो। ये भावेश का थोड़ा सा बच गया है, तो बिट्टू जीत चुका है और भावेश का इतना बच गया है, तो विनर है बिट्टू। मैगी चैलेंज करने का प्लान दोनों बच्चों का था, दोनों ने कहा कि हम चैलेंज करते हैं। तो मैंने कहा चलो करो, कोई नहीं, मैगी भी बनी है तो चैलेंज कर लो। तो बिट्टू विनर हो चुका है और भावेश अभी भी खाने में है। आई होप दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं हमारी फैमिली से जुड़े हैं वो प्लीज लाइक जरूर करना। कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।